सत्ता में किसको बिठाएंगे भैया? क्या अखिलेश को? अखिलेश को। अखिलेश को किस मुद्दे पे भैया? वो बहुत कुछ लाए, बहुत कुछ किया, 100 नंबर भी उन्होंने चलाया, एम्बुलेंस भी उन्होंने चलाया, बहुत कुछ उन्होंने किया। 100 नंबर तो अभी 112 नंबर हो गए। वो तो योगी ने नाम खाली नाम दिया अपना है। हाँ। और कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। ये बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा लगा के बता तो खाली होल्ड खाली दे रहे हैं, खाली दे रहे, कुछ नहीं दे रहे हैं। क्या दिया गरीबों को? गरीबों को कुछ नहीं दिए, सिर्फ राशन दे के गरीब खरीद रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। राशन मुफ्त राशन तो मिल रहे हैं ना? हाँ, तो राशन मिल रहा है। हाँ। राशन मिल रहा है तो राशन कुछ तो सुविधा दे रहे हैं। हाँ, कुछ सुविधा दे रहे हैं। राशन की सुविधा और कोई सुविधा नहीं दे रहे? कोई सुविधा नहीं मिल रहा है आप लोग के लिए? हॉस्पिटल पढ़ाई नहीं, हॉस्टल की कोई नहीं मिली ना, पढ़ाई की मिली सुविधा, कोई सुविधा नहीं मिली। अच्छा, तो इसीलिए आप अखिलेश को चाहते हैं? अखिलेश को चाहते। लेकिन अखिलेश के बारे में मोदी जी तो कहते हैं कि लाल टोपी से बच के रहो, वो माफिया राज थे उनका। तो लाल टोपी से बच के अगर रहो तो भाई लाल टोपी लाल क्या लाल झंडा उनका नहीं क्या है? लाल झंडे से क्यों बच के रहे? क्या क्या दिक्कत उनको है लाल झंडे से? पता नहीं क्या उनको दिक्कत हो रही है। तो आप इस बार सत्ता बदलेंगे? हाँ। भैया हवा किसका लग रहा है लखनऊ में? हवा सर तो योगी लग रहा है। लग रहे हैं कि योगी जी को जिताएंगे आप? हाँ सर, जिताएंगे, क्योंकि हर चीज मिली है, राशन फ्री है। हाँ। नमक मिल रहा है, दाल मिल रही है, मतलब क्या नहीं मिल रहा, सब मिल रहा है। मिल तो रहे भैया, लेकिन जो महंगाई बढ़ा, महंगाई तो हम भी लोग काम भी नहीं होता है यहाँ, क्या करें सर? तो काम नहीं होते हैं तो भैया अगर सुविधाएं दे रहे हैं आप लोगों को तो दिक्कत किस बात की है? अरे दिक्कत है कि हम लोग इतनी महंगाई है, इतनी कमाई है नहीं कि सर जितनी, जैसे आप 250-300 रुपए कमा सर पाते हैं इसमें। तो कौन करेंगे ये सब ठीक, कौन करेंगे भैया? अब ठीक सर, ये सरकारें करें, आपको जो करें हम लोगों के लिए उनका बताइए। सरकार उन्हीं का ही बनाएंगे फिर? अब सरकार क्या बताए, बिल्कुल मतलब वही है लहर जो दिखाई दे रही है सर। कुछ भी हो जाए लेकिन योगी बाबा को जिताएंगे? अरे हमारे कहाँ जिताने, जीत जाएंगे सर। साइकिल चलेगी क्या भैया? ये कमल साइकिल ही चलेगी? साइकिल चलेगी, चलेगी। कह रहे हवा निकल गया भैया? ये हवा इसलिए निकल गया मैडम, मैं दुधवा टाइगर रिजर्व में कर्मचारी हूँ, दैनिक कर्मचारी। 14 महीने से बेहतर नहीं मिला इस सरकार में। अब ये बताइए, सरकार कहती है कि हम गरीबों की सरकार है, 14 महीने हम लोग दैनिक सर्विस में काम कर रहे हैं, ठीक है, 14 महीने से बेहतर मिला, बताइए क्या खाए हम लोग? आप बताइए, 14 महीने से नहीं मिल रहा है? 14 महीने से नहीं मिला हम लोग के, सभी लोग स्ट्राइक कर रहे, सारे कर्मचारी उत्तर प्रदेश में वन विभाग के सारे कर्मचारी। अभी 14 महीने से अगर वेतन नहीं मिलते तो कितना मुश्किल होते हो, तो कैसे घर चलाते हैं भैया? घर चलाते हैं मैम, क्या बोलते हैं, हम लोगों ने बंधिया बांध रखा है, 30-40 हजार रुपए हो गए हैं। डॉक्टर उधार बांध रखा है, सभी लोग, अब सभी जितने कर्मचारी हैं हम लोग उधारी पे चल रहे हैं, सब उधारी पे, जैसे उधारी नौकरी करना उधारी पे हम लोग जी रहे हैं। अभी अब हम लोगों को बनिया ने हम लोगों को उधार देने से बंद कर दिया है, डॉक्टरों ने इलाज करना बंद कर दिया है। अब ये सरकार कहती है कि हम लोग गरीबों की सरकार है, तो बताइए हम लोग गरीबों की कौन सुनेगा? ये सरकार, ये सरकार तक की हम लोग की आवाज पहुंचाइए कि हम लोग को कम से कम नहीं दे सकती रोजगार, तो कम से कम हमारा पैसा जो काम किया हो तो पैसा तो दे दे। रोजगार भी दिया सरकार, भाई दम के किस बात पे बताइए ना, हम लोग का विनती करने के लिए कहा, अभी तक की कुछ नहीं हुआ है। कह रहे कुछ नहीं हुआ, सरकार कह रहे कि सब कुछ किया है। आप लोग देख लीजिए हमारी दुर्गा टाइगर में, देखिए चेक करके हम लोग सब लोग स्ट्राइक पे, जी हाँ आवाज दे रही है, हम लोग सब लोग स्ट्राइक पे, हम लोग रोड पे क्यों है फिर मैम? 14 महीने से वेतन नहीं मिला है, देखिए 14 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिले है, और कह रहे कि आबाद हो गए, नया उड़ान हो गई यूपी में। अब नया उड़ान हुआ है क्या भैया यूपी में? कोई नहीं हुआ नया उड़ान, कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा आप लोग सब रिक्शा चलाते हैं, महंगाई का मार पड़ रहा है भैया? हाँ महंगाई का मार। इधर तो आइए भैया, रोड पे मत, डर क्यों रहे हो भैया? हाँ जी भैया, स्टेट न्यूज टाइम्स। हाँ जी भैया जी बताइए, लहर किसका है? योगी बाबा कह रहे हैं कि कमाल का यूपी बना दिया है। चलेगी साइकिल ही चलेगी इस बार यूपी में, साइकिल ही चलेगी, ये पब्लिक है। हाँ। अब कोई कहने भाई क्या होगा, क्यों महंगाई, गवर्नमेंट किसी की भी आए। हाँ। महंगाई तो होगी, महंगाई तो होगी, महंगाई का मुद्दा नहीं है, क्यों नहीं होगी? आम जनता कैसे चलेंगे भैया? 72 साल कांग्रेस रहे, उसने क्या किया? अब इन्होंने क्या नहीं किया? हम लोगों को एक काम, रिक्शा ही चलाएंगे हम, गाड़ी चलाएंगे, चाहे साइकिल हवा निकले चाहे कमल गिर जाए, हमें अपने काम करना है, गवर्नमेंट किसी की भी आए। लेकिन भैया सरकार हम इसलिए बनाते हैं ना कि सरकार, इस गवर्नमेंट में गरीबों को कुछ तो फायदा हुआ है। क्या क्या फायदा हुआ है आपकी नजर में? क्या नहीं मिला, राशन अब भी दे रहा है गांव में, शौचालय मिल गए, बेचारे गांव में जाते थे आदमी खेतों में पानी में, बारिश में पूछिए, अब पूछिए क्या नहीं हो गया भैया? ये सब माने या ना माने, राशन तो खाने, खाने का भी पैसा ना होता तब आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? खाली राशन दे दे, कांग्रेस की टाइमिंग में भैया राशन दे, पैसा पड़ता था 20 किलो मिलता था 300 रुपए में, अब 20 किलो मिलता है 48 रुपए में। लेकिन भैया महंगाई भी तो कितना आसमान छू रहे हैं, महंगाई में छूट गया सिलेंडर, देखो सिलेंडर का रेट कहाँ पहुँच गया, वो तो होगा ही, महंगाई तो होगी, महंगाई 2000 रुपए भी है लेकिन गैस भी 2000 रुपए में मिल रहा है।
खाना बना खिलाने थोड़ी खाना बना के खिला के तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जनता को तो सुविधा तो मिलना चाहिए ना। मिल रही है, मिलने वाली मिल रही है, मिलेंगी गवर्नमेंट किसी की भी है तो मिलेंगी ही। इतनी सुविधा मिलेगी क्या मिलेगा और मिले है। कमर टूट जाए, जनता का कमर टूट जाए भैया, महंगाई की वजह से कमर टूट रहे क्या आपकी और अखिलेश सरकार इस बार बदलेंगे? जी बिल्कुल, आपकी मुद्दे में बिल्कुल बदलाव। माफिया राज थे भैया, गुंडागर्दी थी ना, ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई तो इधर है, अखिलेश सरकार आएगी इस बार। उनको दबंगाई को कह रहे कि संरक्षण देते थे अखिलेश। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है विरोधी पार्टियों की चाल है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे भैया, कितना सहमत है इनकी बात? इनकी बात तो पूरे पूरे सहमत है, क्योंकि अखिलेश सरकार में जो होता है यो रोजगार थे, हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार कह रही है रोजगार दिए हैं, कहाँ दिए हैं? झूठे बातें हैं, कोई उसमें कोई दिखाए बेरोजगार हमारी दौड़ रही है, कोई रोजगार मिला? गरीब इंसान, गरीब नौकरी चली गई है, जिनके पास नौकरी थी उनकी भी नौकरी चली गई, घर में बैठे हैं क्या करें, लेडीजों की चली गई है। रोजगार रोजगार मुद्दा बनेगा इस बार? जी जी, इसका रोजगार मुद्दा है, आएंगे तो रोजगार मिलेगा हम लोगों को। तो क्या हो, पहले जब लोगों को भी मिलेगा तो ये सब इसमें, ये तो सरकार कह रही है कि सब कुछ बदल दिया है, नया उड़ान दे दिया है, यूपी को नंबर वन बनाए होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। फ्री राशन देने से कुछ नहीं होता है, पेट्रोल देखो महंगाई, तेल देखो, खाने वाला सामान कितना महंगा है, पैसा ना हो आप खाना खा लो। बगैर पैसे के कोई नहीं, इसकी सरकार में गैस जो है 400 की मिलती थी, आज जो है इनकी सरकार में 1000 का है, 600 का फर्क है। महंगाई का मतलब यही है, 35 रुपए में शक्कर थी, कितने में? 44 में। कितना तीन बार भैया आप लोग ये देखिए, हम लोग जिस भैया लोगों से बात कर रहे हैं, ये रिक्शा चलाते हैं, सवारियों को लेके जाते हैं, ये हमारी भैया लोग कैसे भैया दिन भर में कितना चलाते हैं? कमाएंगे आप ही लोग से, तभी तो हम लोग खाएंगे ना, कि बगैर कमाए खा लेंगे। तो भैया ये दिन भर में कितना कमा लेते हो भैया? अब क्या होता है, अब 400-500 कमाते हैं, उसमें 400 कोटा निकालो, 100-150 बचता, 100-150 में घर का खर्चा चल जाएगा। रेंट देना पड़ता है रिक्शे का भाई, 400 रुपया आपका आपका रिक्शा है, आपका चलाएंगे तो आपको। अच्छा, फिर भी चालान होता है रिक्शे का? रिक्शे का भी चालान होता है। अच्छा, देखिए इनकी परेशानी देखिए, लोग कहते हैं 2000 रुपये भी गैस हो जाए तो खरीद लेंगे, लेकिन ये लोग कैसे करेंगे? तो ये लोग उठा ले, नगर निगम वाले पकड़ लेते हैं तो बंद कर देते हैं, लाइसेंस दिखाओ, पासिंग दिखाओ, अगर नहीं है आपके पास तो ये रिक्शा ले जाते हैं, बंद कर देते हैं, वहाँ 500 रुपया जुर्माना भरो जा करके। देखिए इनकी परेशानी, देखिए इनका परेशानी, अंकल जी केस सुन रहे हैं, सही करेंगे बात, सही करेंगे, हकीकत है। चलाना कोई वो है, इसका भी लाइसेंस बनवाओ, गाड़ी पासिंग करवाओ, 500 जब वहाँ नगर निगम ले जाते तो वहाँ जाओ 500 रुपया दो, तब वो गाड़ी छूटेगी, तब वहाँ लाइसेंस बनाएंगे, गाड़ी पास करके आपको देंगे। तो ये सारी चीजें तो खैर रोड पे चलाते तो ये तो एक प्रोसेस है, लेकिन ये सब महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सब मुद्दा बनेगी इस बार? नहीं, साइकिल ही अपनी आएगी भाई। कितना सहमत है भैया इनकी बात? कहाँ बंधा हुआ है? अरे ठीक है, लाइसेंस और पासिंग तो बंद है ना। अच्छा, बच्चों से बात करेंगे, आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पढ़ाई? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? 11th में। अच्छा, 11th में, छोटे बच्चे हैं, चलिए आइए हम आगे आगे चलते हैं, बात करेंगे। अच्छा, पॉलिटिक्स के बारे में बात करना चाहते थे कि क्या देख रहे हैं यूपी में, योगी बाबा का काम हो रहा है आप लोगों को? अच्छा ही है, डेवलप हो रहा है, बाकी कोई आइडिया नहीं है इतना ज्यादा हम लोग को। अच्छा, आइडिया नहीं है बच्चों का? चलिए, अच्छा है जो भी है, आई एम सेटिस्फाइड। अच्छा ठीक है, चलिए बच्चे हैं लेकिन इनको इतना नहीं पता, हम आगे चलते हैं।